बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस की टाइप्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट की मज़ीद अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है, यानी उस ऐसे सॉल्यूशन जिसमें उसकी कैपेसिटी से कम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर किसी सॉल्यूशन में मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुकी होती है, द सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड सॉल्यूट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर वाली बात खास तौर पे याद रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, इसलिए सॉल्यूशन का स्टेटस भी चेंज हो जाता है। तो किसी ख़ास टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशन में मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाता है, इसलिए डिसॉल्व्ड सॉल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यानी जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए उस वक्त डिसॉल्व्ड सॉल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डेल्टा एस की वैल्यू भी ज़ीरो और डेल्टा जी की वैल्यू भी ज़ीरो। डेल्टा एस की वैल्यू इसलिए ज़ीरो है कि अब फर्दर चूंकि सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा इसलिए सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं, इसलिए अब एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। और डेल्टा जी इसलिए ज़ीरो है कि सॉल्यूशन अब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, और जब कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो उसमें गिब्स एनर्जी चेंज नहीं होती। इससे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने कहा था कि जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होती है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने कहा था रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के में हम कहेंगे रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वो बात आ गई कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसकी एग्जांपल देखें, ग्लूकोज की वाटर में सॉल्युबिलिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 91 ग्राम पर 100 एमएल है। तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने 91 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर चुके हैं आप वाटर में, तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल बी सैचुरेटेड इफ 91 ग्राम ऑफ इट आर डिसॉल्वड इन 100 एमएल ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में है 64 ग्राम पर 100 एमएल एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम क्लोराइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी है 64 ग्राम पर 100 एमएल, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम। इसका मतलब है कि कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेटेड हो जाएगा अगर आपने 64 ग्राम डिसॉल्व कर दिया। इसी तरह 27 ग्राम पर अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड वाटर में 100 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, अगर आपने 100 एमएल वाटर में 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर आपने इससे कम डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, और अगर आपने इतनी अमाउंट डिसॉल्व कर दी तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज 203.9 ग्राम पर 100 एमएल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुक्रोज की 100 एमएल सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी है 203.9 ग्राम, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुक्रोज की सॉल्युबिलिटी है 487 ग्राम, बास बुक्स वाले 500 ग्राम भी लिख देते हैं। तो
अगर आपने 100 ml एक्वा सॉल्यूशन में 487.2 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व कर दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन कैन ऑफ सुक्रोज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 203.9 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर बाय डिसॉल्विंग 487.2 ग्राम ऑफ इट इन 100 ml ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 39.12 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पर 100 ml डिसॉल्व करें, पर 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये एक पर 100 ml ऑफ वाटर मैंने गलती से लिख दिया था, इट इज़ पर 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एंड इन केस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी चूँकि वाटर में कम होती है, तो 0.0012 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन अगर डिसॉल्व किया जाए तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब अगली बात कि क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है या डिल्यूट होता है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर। अगर तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो फिर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, और अगर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम है तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिल्यूट होगा। जैसे हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इनका कंसंट्रेटेड, इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है, सिल्वर क्लोराइड वाटर में सेपरिंगली सॉल्युबल है, इसलिए इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिल्यूट होगा। तो अगेन लेट मी से कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज हाई, बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिल्यूट इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज लो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, शुगर एंड ग्लूकोज और कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज हाईली कंसंट्रेटेड, वाइल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर इज वेरी डिल्यूट। अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की थर्मोडायनामिक्स भी डिस्कस कर ली। एक पॉइंट याद रखिएगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम एंट्रॉपी चेंज को डिस्कस कर रहे हैं, गिब्स एनर्जी की चेंज को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने एंथैल्पी की चेंज को डिस्कस नहीं किया। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो एक सेपरेट टॉपिक हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन, उसमें हम एंथैल्पी, एंट्रॉपी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।